हमारे प्रत्याशी का और भारतीय जनता पार्टी के श्री रेड्डी जी का आपने बहुत मन से स्वागत किया है, मैं मन से आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। आने वाला चुनाव बस बंद करो, चेकिंग हो गया भाई। केसीआर का सरकार पूरे भारत में सबसे करप्ट सरकार अगर कोई एक है तो केसीआर का है। केसीआर और केटीआर को लगता है करप्शन करने के बाद कुछ नहीं होगा। मैं आज कह कर जाता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाओ, हम जिन्होंने करप्शन किया है उनको जेल की सलाखों के पीछे डालो। इतने सारे युवा हैं, मुझे बताइए हैदराबाद विमोचन दिन मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए? जोर से बोलिए, मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए? एक केसीआर ओवैसी से डरते हैं, इनकी गाड़ी का स्टीयरिंग ओवैसी के हाथ में है। मैं आपको कहकर जाता हूं, हमारे प्रत्याशी को एमएलए बना दीजिए, हैदराबाद विमोचन दिन। इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से तीन आतंकवादी एनआईए दिल्ली से आकर पकड़ती है, मगर हैदराबाद की पुलिस कुछ नहीं करती है। मुस्लिम आरक्षण जो 4% दिया है वो गैर संवैधानिक। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, हम मुस्लिम आरक्षण को समाप्त करकर एससी एसटी और ओबीसी को आरक्षण बढ़ाएंगे। मोदी जी ने तय किया है कि इस बार तेलंगाना का मुख्यमंत्री बैकवर्ड क्लास से आएगा, हम बैकवर्ड क्लास के साथ। हमने ये भी तय किया है कि सालों से माड़ीगा समुदाय को रिजर्वेशन में अन्याय होता है, बंद करो भैया, बंद करो। रिजर्वेशन में अन्याय होता है, हम एससी रिजर्वेशन में वर्टिकल कोटा माड़ीगा समुदाय के लिए भी। अरे हैदराबाद में भाग्यलक्ष्मी माता के मंदिर को आप सुरक्षित रखना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, मुझे बताओ। केसीआर रख सकते हैं क्या? जोर से बोलो, रख सकते हैं क्या? जो ओबीसी से डरता है वो आपकी रक्षा कर सकता है क्या? मित्रों, कमल के निशान पर बटन दबाओ और भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाओ, और यहाँ पर मुख्यमंत्री भाजपा का बनाइए, प्रधानमंत्री 24 में मोदी जी को बनाइए। मेरे साथ जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।